राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। इसके लिए वो राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद रखना है, कांग्रेस का एक ही मतलब है। कांग्रेस मतलब साथियों आपका प्यार सर आंखों पर, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के नौरंग देसर में एक विशाल सभा को संबोधित किया और आप देख सकते हैं फिलहाल उनका चौपर जो है वो दिल्ली जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधे घंटे तक जो है लोगों को संबोधित किया, लेकिन देखिए किस तरह से भीड़ अभी तक भी उनकी एक नज़र पाने के लिए टिकी हुई है। ये हाईवे है जो कि यहाँ से गुजरात को कनेक्ट करता है, जिसका उद्घाटन खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लोकार्पण किया नितिन गडकरी के साथ में। बड़ी बात यह रही कि अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार को परिवारवाद पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बेटे की पड़ी है और राजस्थान के बेटे बेटियों की नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान जो कि अपने शौर्य आन बान के लिए जाना जाता है वह भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और महिला अपराध में टॉप पर है। बड़ा सवाल ये कि जहां राजस्थान के अंदर चुनाव महज कुछ महीनों की दूरी पर है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों की 30 विधानसभा सीट और 6 लोकसभा सीट में भाजपा को फायदा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ बीकानेर से जय किशन शर्मा आज तक।